अरविंद जी, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़ना नहीं चाहती, या दो सीटें उसको कम लग रही हैं इसलिए बोले चलो छोड़ो दो भी ले जाओ यार, रखो तुम, हमें नहीं चाहिए। आपकी समझ में इन दो में से क्या, या महाराष्ट्र को बैलेंस करना, इन तीन थ्योरी, अभी तीनों थ्योरी हैं, क्योंकि ना तो राहुल गांधी ने अभी कुछ कहा, ना अखिलेश यादव ने कुछ कहा, और इनसे नीचे कहने का कोई बहुत अर्थ नहीं। आपकी समझ क्या कहती है कि इन तीन में से कौन सी थ्योरी हो सकती है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस अचानक से रिलक्टेंट हो गई, मतलब छोड़ो यार हमें नहीं लड़ना, आप ही लड़ दो टाइप का? देखिए भाई, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भूमिका सहबोलिया की है। सहबोलिया एक होता है कि जब बारात जाती है दूल्हे के साथ, दूल्हे के साथ घोड़े बैठता है, दूल्हे के साथ घोड़े पे बैठता है, उतना ही उसका स्वागत होता है, उसका भी उतना ही टीका चंदन किया जाता है, उसका भी परछावन होता है, और जहां जहां दूल्हा बैठता है वहां वहां बैठता है, और अपने आप को दूल्हे से कम नहीं समझता है। लेकिन बात होता केवल अंतर यही होता है कि सत्ता रूपी जो दुल्हन है वो तो दूल्हे को मिल जाती है। कांग्रेस की भूमिका उत्तर प्रदेश में कमोबेश सहबोलिया की है, और आप पिछले विधानसभा चुनाव को देखिए, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, उसमें कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में दो सीटें पाती है लड़के, और अखिलेश जी तो 10 में से 2 दे रहे हैं, तो आप हम कैसे कहें कि उनके साथ कुछ अन्याय कर रहे हैं? 10 में 2 देना वो बहुत बड़ा दिल दिखा रहे हैं, वास्तविक हकदार तो वो 2 की है। अब कांग्रेस नेशनल पार्टी रही है, 140 वर्षों का इतिहास है, और उनके नेहरू गांधी परिवार के लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, तो रस्सी जल जाती है, गांठ जाती नहीं है, तो गांठ जा नहीं रही और धीरे धीरे जाएगी, और उसकी अकड़ है, वो अकड़ उत्तर प्रदेश में दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अपनी कुछ हैसियत नहीं है, और मेरी कोई सलाह माने तो मैं कांग्रेस के मित्रों से यह कहूंगा कि समाजवादी पार्टी से सीट मांगने के जगह पे अपने संगठन पे ध्यान लगाओ। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, 20-20 वर्षों से अमिताभ अग्निहोत्री जी जिलों में संगठन के चुनाव नहीं हुए हैं, वहां अध्यक्ष नहीं है, महामंत्री नहीं है, कमेटियां नहीं है। अरे अपना घर ठीक करो, तुम्हारी स्थिति ठीक होगी तो लोग अपने आप ही तुमको सीट शेयर करेंगे, तुम्हारी औकात रहेगी नहीं तो शेयर मिलेगा नहीं। वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी की कोई औकात हरियाणा में नहीं थी तो वहां कोई सीट नहीं मिली। हमारे मित्र भुवन भास्कर जी कह रहे थे कि हमने त्याग कर दिया। अमिताभ जी, त्याग उसको कहते हैं ना कि आपके पॉकेट में कुछ हो, आपके अंटे में कुछ हो और किसी को दे दे, आपके अंटे में फूटी कौड़ी ना हो और आप उसको खाली कर दे और कहे लो जी मैंने त्याग कर दिया, काहे का त्याग कर दिया? हरियाणा में आपकी कोई हैसियत नहीं थी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं। और एक बात और कहके मैं अपनी बात पूरी करूंगा, ये जो गठबंधन हुआ है ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, ये आपातकालीन गठबंधन है, ये अवसरवादी गठबंधन है, और ये डर के मारे किया गया गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के डर से गठबंधन किया गया है। और जब डर से गठबंधन होता है तो यही गीत गाते हैं लोग कि तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई, तुम्हारी ही निंदा, तुम्हारी ही बड़ाई, ठीक है स्थिति रखती है, और वही स्थिति दिखाई दे रही। मुझे लगता है जैसे आपको आप पास आ रहा हूँ फिर बात, मुझे लगता है जो बात अरविंद जी ने कही कि गठबंधन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गठबंधन जो भी होता है, नेहरू के समय से लेके मोदी के समय तक, गोविंद बल्लभ पंत के समय से लेकर योगी के समय तक, जहां भी गठबंधन हुआ होगा वो अवसर के लिए ही हुआ होगा। उसको आप अवसरवादी कैसे, अवसरवादी कोई गंदा शब्द नहीं, अवसरवादी ही दोनों दल होते तभी ना गठबंधन होता है। इसलिए गठबंधन का स्वरूप ही, उसका डीएनए ही वो है कि अवसर दोनों लोगों का मैच करे तो होगा, अन्यथा कोई भी इसलिए गठबंधन नहीं करता कि आ जाओ शिव पुराण पढ़े, गठबंधन कर लेते हैं क्या, आओ भागवत कर रहे हैं, ठीक है अरविंद जी। कोई भी दो पार्टियां इसलिए गठबंधन नहीं करती कि आओ अपने गांव में भागवत करा ले दोनों पार्टियों को झंडा लगा के, नहीं ना, जरूरत है दोनों को, जरूरत है, किसी को कम किसी को ज्यादा, इसलिए होता। खैर जोशी जी, अरविंद जी ने जो कहा आपने सुन लिया कि त्याग तब माना जाएगा, बड़ा दिल तब माना जाएगा जब कुछ हो, कुर्बान करने को हो, कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन कुर्बानी के लिए कुछ चीज तो चाहिए क्या? अरे बकरा बकरा हो, मुर्गा हो, मेड़ा हो, कुमेड़ा हो, कुछ तो हो, खाली पीली किस बात की कुर्बानी? तो वो वहां कह रहे, अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई जो स्थिति हरियाणा में आपकी थी, मध्य प्रदेश में थी,
वहां आपके पास कुर्बानी देने के अलावा, बड़ा दिल दिखाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। और वैसे ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं कि बड़ा दिल दिखाए या बताशा मिला उसी को खा ले प्रसाद समझ के। जोशी जी देखिए, अभी मैं राजनीतिक विश्लेषक साहब का गठबंधन पे निमन सुन पा रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी कैसा गठबंधन करती है पीडीपी के साथ, देखा आपने देश ने कैसे उनको किस किस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है उनकी पीडीपी के लिए। और निश्चित तौर पर गठबंधन करती है, गठबंधन टूटती है। और एक और है बिहार में, आप जानते हैं वीआईपी पार्टी के, वो तो ढूंढ रहे हैं इनको, टॉर्च लेके निकले हुए घर से काफी दिनों से। 4 में से 3 विधायक खा गए उनके, इनके गठबंधन कर लो। महाराष्ट्र में शिवसेना ने करा, उनकी पार्टी तोड़ दी। तो गठबंधन में तो लोग बचते फिर रहे इनसे, इनसे बच रहे हैं कि भैया कब ये पार्टी तोड़ देंगे, कब सरकार में से बाहर कर देंगे, कुछ पता नहीं। मुकेश सहनी टॉर्च लेके निकले हुए, अभी तक घर पहुंचे नहीं। 3 विधायक खा गए थे उनके, उनको साथ लिया, 3 विधायक खा गए। तो आप गठबंधन पे ज्ञान देना बंद करिए राजनीति विश्लेषक साहब, और विषय बहुत है, बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे जो अमिताभ जी ने हमसे जो प्रश्न पूछा है, माननीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को, अगर आप हल्के में लेंगे अन्य राज्यों में, तो परिणाम क्या रहता देश और प्रदेश के समझ में साफ है। अगर उनको साथ लिया जाता, दोनों जगह बनती बनती सरकारें रुक गई है, ये भी देश और प्रदेश से छुपा नहीं है। दोनों जगह सरकार किसकी थी, माहौल किसका था, जनता के पे जनता भी जानती है। और हम लोग भी घूमने फिरने वाले लोग हैं, हम भी लोगों का पैरामीटर नाप के आते हैं, घूमने फिरने वाले लोग हैं कब लंबे समय से राजनीतिक जीवन में। तो माननीय अखिलेश यादव जी की स्वीकारता कहाँ पर है, ओबीसी का कौन बड़ा चेहरा देश में, सारे लोगों को पता है। 37 सीटें चीख चीख के भारत में नहीं कह रही है, पूरे विश्व में कह रही है, 37 सीटों वाले सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में। तो ये इनके कहने से, या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहने से माननीय अखिलेश यादव जी, जोशी जी एक मिनट जोशी जी, आज एक बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया और उन्होंने कहा कि बहराइच का दंगा बाई इलेक्शंस को देखते हुए भाजपा ने करवाया, इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए? देखिए, दंगे का तो इनका पुराना इतिहास है, कौन नहीं जानता है, गोधरा से लेकर दंगे के दाग, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक मुजफ्फरनगर में हुआ था, वो तो आपके टाइम में हुआ था। मैं आपको उसका भी बता देता हूँ, आप सुन लीजिए अमिताभ जी, जब जब हम भी जरा पुराने ही हो रहे मामले में, बहुत आपको बताऊंगा किसकी सदस्यता गई, शायद आप तो जानते हैं। सैनी साहब का किसका विधायक था, भारतीय जनता पार्टी का था, सुप्रीम कोर्ट से गई, पत्नी को किसने हराया, समाजवादी पार्टी और हमारी तब के अलायंस ने हराया। तो निश्चित तौर पे दंगाई अगर कोई है तो भाजपा ही है, निश्चित तौर पे, इसमें कोई छुपाव कोई कुछ नहीं है। नफरत की राजनीति माननीय मुख्यमंत्री से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक किस प्रकार नफरत पूरे देश में फैलाते हैं, प्रदेश में फैलाते हैं, ये पूरे देश और प्रदेश से छुपाना। ठीक, अरविंद जी आएंगे, हम ओपी सिंह जी पास चलेंगे। सैनी की सदस्यता दंगा करने में नहीं गई थी, देखिए कुछ चीजें बड़ी साफ होती है, उनको साफ ही रहने दीजिए। सैनी की सदस्यता दंगा करने में नहीं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जलती लकड़ी लेके फेंक रहे थे घरों पर ना, ये तलवार लेके निकले थे ना, इसलिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक भाषण को आपत्तिजनक माना, इसलिए उनकी सदस्यता, ऐसे तमाम लोगों की सदस्यता गई, बाल ठाकरे की भी गई और बहुत सारे लोगों की, मैं तमाम नाम गिना दूंगा, वो इशू नहीं। और वो उसी दंगे में आजम खान की भूमिका भी आई संदेह में, और जो दंगे का मुख्य अभियुक्त था उसको आपने दंगे के दौरान ही बाई प्लस सिक्योरिटी दे दी, बोले मौलाना साहब ऐसे नहीं है, ये 30-35 सिपाही या तुम्हारे साथ रहेंगे क्या। तो इसलिए ओपी सिंह जी, ये जो आज आ रहा हूं जी, अर्जेंट जी, अर्जेंट है एक, आज आपने भी अभी एक कोर्ट करा चौधरी चरण सिंह का स्टेटमेंट, क्योंकि आप गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत सीखता हूं, तो सीखने में कोई विषय नहीं है। वो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का था चर्चा पर्चा और खर्चा, वो चरण सिंह जी का नहीं था कोर्ट, आप कोर्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक ठीक, कोर्ट था। ठीक है ओपी सिंह जी, आज अखिलेश जी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि दंगा कराया भाजपा के, वो सुबह आरोप लगा के गए, दोपहर होते होते आपके विधायक ने, जो वहां का विधायक है बीजेपी का, उसने एक एफआईआर ठोक दी क्या, उसमें भाजपा के जिले स्तर के पदाधिकारियों के नाम
एफआईआर लिखा दी, कहा कि जब हम वहां गए तो इन लोगों ने हमारे ऊपर गोली चलाई, पथराव किया, दंगा किया, उत्तेजना फैलाई और बवाल किया और हमारी हत्या की साजिश थी, हमारे लड़के की हत्या की साजिश थी। ओपी सिंह जी, आपको नहीं लगता कि ये एफआईआर आपके गले में पड़ जाएगी? तमाम तर्क वितर्क के बाद भी ये एफआईआर आपके गले में पड़ जाएगी अब, और इससे स्वाभाविक है अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसको तर्क वजन मिलेगा कि भाई देख लो उनका तो एमएलए ही कह रहा है। जी जी नहीं, वो तो सही है, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है कि दंगाई वाली पार्टी कौन है, दंगाई वाली सरकार कौन थी और आतंकवादियों का कौन हाईकोर्ट से मुकदमा वापस ले रहा था और किसकी सरकार में दंगे हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में होते थे और कहां कहां पलायन होता था, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब ये कुंडली बड़ी पुरानी हो गई। हाँ, बहराइच की घटना नहीं है तो सभी अखिलेश जी का बोलना काम ही है सुबह से शाम तक ट्विटर पर या तो बाइट देना, और बाइट वो देना जो अपने स्वभाव के जस्ट विपरीत हो। मतलब बहराइच में दंगाइयों के साथ कौन खड़ा हुआ? अगर गोली चली और राम गोपाल मिश्रा की हत्या हो गई वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि माइक पर गाना कौन सा बज रहा था। अच्छा, वहां पुलिस थी तो ये राम गोपाल कैसे चढ़ गया झंडा उतारने, एक चीज। दूसरी चीज, आप ये बताइए, आप तो इस पर कई डिबेट किए, अब उसके बाद जो दंगाई उपद्रवी थे उनके मुठभेड़ में पैर में गोली लगी तो साहब ये चिल्लाने लगे। मतलब कि एक आदमी का नाखून नोच लिया गया, 36 गोलियां लगी, निर्मम हत्या हो गई, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सरफराज भाई के पैर में गोली कैसे लगी। ये तो मर गया राम गोपाल मिश्रा, उसके पैर में गोली क्यों लग गई? आपको नहीं लगता कि एक नेहरू जी पैदा हुए थे? नहीं, ओपी सिंह जी, यहाँ सवाल दूसरा है। एक मिनट रुकिए। आज मसला ये नहीं, आज मसला ये सिर्फ सपा ने, ओपी सिंह जी अभी रुकिए, सपा ने क्या कहा पॉलिटिकल पार्टी कहेगी, लेकिन मैं एक बुनियादी बात कह रहा हूं कि आपके एमएलए ने, लोकल एमएलए ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर क्यों कराई, ये मैं समझ रहना चाह रहा हूं। अरे भाई, किसी को अधिकार है किसी के खिलाफ एफआईआर कराने की? कराए हैं। अब उसमें क्या उसका मामला, वो डिटेल हमें नहीं पता है कि क्या कराई, क्या उसका विषय है, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अखिलेश यादव को यह कहना, अरे भाई सुनिए, दंगा तो अखिलेश यादव भी नहीं कराना चाहते रहे होंगे अपनी सरकार में। कोई पार्टी, कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे राज्य में दंगा हो। हाँ, दंगाइयों को प्रश्रय देना, दंगाइयों को बढ़ावा देना, दंगाइयों को उकसाना और हिंदुओं के ऊपर हमला करना, ये काम कर सकते हैं अखिलेश। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अखिलेश यादव स्वयं दंगा कराए। 500 दंगे उनके जमाने में हुए, वो सारे दंगे अखिलेश यादव ने कराए, और उनके पिता के जमाने में भी दंगे हुए, वो मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कराए। और रही बात ये जो बड़ी बड़ी, एक सेकंड और जी। ये तो बहराइच वाला मामला हो गया। जोशी जी, इंडिया गठबंधन बनने के बाद मध्य प्रदेश में गए थे पीडीए वाले क्षेत्र में, 55 में जमानत नहीं बची अखिलेश यादव की, किसमें 55 सीटों पर लड़े थे, एक पर जमानत नहीं बची थी। और आपका गठबंधन जो आम आदमी पार्टी है ना, वो हरियाणा में 90 में 88 में लड़ा, 87 में जमानत जब्त हो गई। तो आप जो है इसी चौगिरदा उत्तर प्रदेश में है, बाहर का सपना मत देखिए। हाँ, दबाव बनाने के लिए आप बना सकते हैं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, सब जगह बनाई, वो कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाई, बाकी आप कहीं कुछ है नहीं, 0% सन्नाटा। 55 बताया, उदाहरण दिया, ठीक है। ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, ठीक।